हेलो फ्रेंड, लास्ट क्लास में हमने शीट के क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक कुछ अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस किया था. नाउ वी विल डिस्कस रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, दैट इज 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20. इन सभी क्वेश्चंस को हम अभी डिस्कस करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 सेज टू थिन लेंसेज ऑफ पावर 5+5 डायप्टर एंड -2 डायप्टर आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन. ओके, सो क्वेश्चन कह रहा है कि आपको दो लेंस दिए हुए हैं. दो लेंस में जो पहला लेंस है उसकी पावर है +5 डायप्टर और दूसरे लेंस की पावर है -2 डायप्टर. ये दोनों को मैंने एक साथ जोड़ के रखा, कॉन्टैक्ट में रखा. नाउ यू नीड टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन. इस कॉम्बिनेशन का हमें फोकल लेंथ बताना है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 13, आपको गिवन है कि एक लेंस का पावर है P1 विच इज +5 डायप्टर. नाउ इफ दिस पावर इज पॉजिटिव देन व्हाट डज इट मीन? +5 डायप्टर का क्या मतलब है? ये किस लेंस की पावर है? ये कौन सा लेंस होना चाहिए? तो हमने देखा था पावर पॉजिटिव उस लेंस की होती है जिसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है, बिकॉज पावर इज इक्वल्स टू 1/ फोकल लेंथ. पावर इज इक्वल्स टू 1/ फोकल लेंथ होता है. तो इट मींस ये लेंस होना चाहिए कॉन्वेक्स लेंस, बिकॉज कॉन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव होती है. ओके, देन सेकेंड P2 पावर इज -2 डायप्टर एंड ऑब्वियसली दिस शुड बी अ कॉन्केव लेंस. इसको एक कॉन्केव लेंस होना चाहिए. नाउ हमने पावर दोनों की निकाल ली है, देन कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के फॉर्मूले से हम कह सकते हैं कि इफेक्टिव पावर ऑफ दिस कॉम्बिनेशन विल बी इक्वल्स टू P1+P2. इफेक्टिव पावर विल बी इक्वल्स टू P1+P2. हेंस यहां पे हम लिखेंगे पी इफेक्टिव इज इक्वल्स टू P1 is 5 plus P2 is -2, सो आई विल राइट इट एज -2. सो व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट 3 डायप्टर. सो इफेक्टिव पावर ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज इक्वल्स टू 3 डायप्टर plus 3 डायप्टर. नाउ अब अगर इफेक्टिव पावर इन दोनों लेंस की इफेक्टिव पावर +3 डायप्टर है, इट मींस ये इफेक्टिवली कौन सा लेंस बन गया? इफेक्टिवली हम कहेंगे कि दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस. तो यहां से हम एक नई चीज सीख सकते हैं. मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका पावर है +5 डायप्टर, मतलब ज्यादा है, पावर काफी ज्यादा है. मैं इसकी पावर को कम करना चाहता हूं. पावर ज्यादा है मतलब फोकल लेंथ कम है, लेकिन मैं इसकी फोकल लेंथ को बढ़ाना चाहता हूं, इसको लंबा करना चाहता हूं. तो क्या करूं? उसके साथ मैं एक कॉन्केव लेंस फिट कर दूं जो कि +2 डायप्टर का है. तो जैसे ही मैं एक कॉन्वेक्स लेंस के साथ एक कॉन्केव लेंस लगाऊंगा, वैसे ही पावर उसकी कम होके +3 डायप्टर हो जाएगी. सो इट मींस यहां पे मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस के पावर को कम करने का तरीका मिल गया, या कहें कॉन्वेक्स लेंस की कन्वर्जिंग पावर को डिक्रीज करने का तरीका मिल गया कि उसके साथ एक आप कॉन्केव लेंस लगा दीजिए. ओके, सो अब हम इसके फोकल लेंथ भी पता कर सकते हैं, बिकॉज वी नो दिस फॉर्मूला कि पावर इफेक्टिव इज इक्वल्स टू 1/ फोकल लेंथ. सो 3 is equals to 100/f. यहां पे f मीटर्स में होता है, या इसको भी हम 100 लिख देते हैं. 3/100, 3 is equals to 100/f. सो f विल बी इक्वल्स टू 100/3 विच इज इक्वल्स टू 33.34 सेंटीमीटर्स. सो इट मींस जो हमने लेंस को, दो लेंस को कंबाइन किया, उनकी कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ आ रही है 33.34 सेंटीमीटर्स. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 13. ओके, नाउ डिस्कस क्वेश्चन नंबर 14. अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 सेज इफ अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर्स एंड मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5,
is kept in liquid of refractive index 1.5, then what will be the new focal length of the combination? Option A 10 centimeters, option B 20 centimeters, option C 40 centimeters and option D none. Now, अब इस सवाल को पढ़ के एक बार में हमें कंफ्यूजन होता है कि ये क्या पूछना चाह रहा है. एक लेंस लिया मैंने, उसको हवा में ऐसा देखा तो मुझे उसकी फोकल लेंथ दिखी 10 सेंटीमीटर्स. जैसे ही मैंने उसको पानी में रखा तो क्या उसकी फोकल लेंथ बदल जाएगी? क्या उसकी फोकल लेंथ सेम रहेगी? क्या फोकल लेंथ बढ़ जाएगी? ये सारे सवाल मन में उठते हैं. हमें लगेगा कि नहीं, उसका कर्वेचर तो सेम है. आपने लेंस लिया, उस लेंस का कर्वेचर जो होगा दोनों तरफ से वो बिल्कुल सेम रहेगा. लेकिन फिर इसने ऐसा क्यों पूछा कि पानी में रखने से उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? और साफ साफ देखा जाए तो ऑप्शन ए इट सेज 10 सेंटीमीटर्स, मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल वही है जो एक्चुअल में हमें लग रहा है, जो होना चाहिए. ओके, कि 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाला आपने एक लेंस लिया, अब उसको पानी में रख दिया तो उसकी फोकल लेंथ शुड रिमेन सेम, इट शुड रिमेन सेम. बट ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं. बिकॉज फोकल लेंथ जो होती है, फोकल लेंथ इट डिपेंड्स ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एज वेल एज ऑफ सराउंडिंग. किसी भी लेंस की फोकल लेंथ उस ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसके सराउंडिंग पे डिपेंड करती है. फोकल लेंथ इज नॉट डिपेंडेंट ऑन कर्वेचर. उसका जो कर्वेचर होता है उस पर डिपेंड नहीं करती. वो तो हम सिर्फ थिन लेंसेज के लिए ऐसा कहते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा कर लीजिए, दैट विल बी द फोकस. सो फोकस और उसके पोल के बीच का डिस्टेंस विल बी द फोकल लेंथ. लेकिन एक्चुअल में जो फोकल लेंथ डिपेंड करती है वो उस ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे करती है, और साथ ही आसपास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस पे भी करती है. हमने ये देखा था कि जब मैंने एक ग्लास इस तरह से रखा, एक ग्लास का एक लेंस कुछ इस तरह से हमने लिया, इस लेंस के अंदर ये पूरा ग्लास है, दिस इज ग्लास, और बाहर जो है वो एयर है, और यहां पे भी एयर है. जब एक ऑब्जेक्ट आपने यहां पे अज्यूम करा तो इस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट रेस इस ग्लास को स्ट्राइक करेगी और फाइनली अंदर जाके किसी तरह से रिफ्रैक्ट होगी. और रिफ्रैक्ट क्यों होगी? क्योंकि लाइट जब इस ग्लास के सरफेस पे टकराएगी तो वो सरफेस विल बी अ रेयरर टू डेंसर सरफेस. वो सरफेस के एक तरफ रेयरर है, एक तरफ डेंसर है. इट मींस लाइट जब रेयरर से डेंसर में जा रही है तो वहां पे रिफ्रैक्शन होगा. जब सेकेंड वाली सरफेस से टकराएगी तो डेंसर से रेयरर में जा रही है, तब वहां रिफ्रैक्शन होगा. लेकिन फिर इस सवाल में जो लिखा है कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 1.5 है, इट मींस ये सिचुएशन कुछ ऐसी भी है. हम एक इस तरह का ग्लास अज्यूम करते हैं, एक टैंक. इस टैंक में वाटर है, इस टैंक में वाटर है ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5. इस टैंक में हमने वाटर माना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.5. देन इस टैंक में हमने एक लेंस को रख दिया जिस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज ऑल्सो 1.5. नाउ अब रिफ्रैक्शन क्यों होता है लेंस में? लेंस में रिफ्रैक्शन होता है बिकॉज ऑफ चेंज इन मीडियम. दो मीडियम के बीच में कुछ डिफरेंस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, इसीलिए वहां पे रिफ्रैक्शन होता है. लेकिन यहां पे अगर हम देखें तो एक लाइट रे जो कि इस तरह से इस पानी में ट्रेवल कर रही है वो आके इस सरफेस को स्ट्राइक करती है, दिस सरफेस. अगर वो लाइट रे इस सरफेस को स्ट्राइक करेगी तो क्या यहाँ पे रिफ्रैक्शन होना पॉसिबल है? हम कहेंगे हाँ, ये ग्लास है और ये पानी है तो ये रिफ्रैक्शन होगा.
लेकिन हमें ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि लाइट को नहीं दिख रहा कि ये पानी है या ग्लास है। लाइट को बिल्कुल समझ में नहीं आता कि ये पानी होना चाहिए और ये ग्लास होना चाहिए। लाइट तो सिर्फ एक चीज पे बिलीव करती है, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लाइट को लगता है कि यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है तो रिफ्रैक्ट हो जाती है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो लाइट में कोई रिफ्रैक्शन नहीं देखने को मिलता। इट मींस जब इस सरफेस पे लाइट टकराएगी तो इस सरफेस के इस तरफ पानी है और इस तरफ ग्लास है, लेकिन पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 1.5 है, इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 1.5 है, तो क्या यहां पे रिफ्रैक्शन पॉसिबल होगा? हम कहेंगे नो, रिफ्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ सेम मीडियम, या कहें होमोजेनिटी ऑफ मीडियम। होमोजेनस मीडियम है, होमोजेनस मतलब एक जैसा, तो अगर मीडियम बिल्कुल सेम है तो इट मींस यहां पे कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। सो लाइट यहां से बिल्कुल सीधी इस तरह से निकल जाएगी, और क्या सेकेंड सरफेस पे टकराने के बाद रिफ्रैक्शन होगा? ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज इस सरफेस के इस तरफ पानी है, इस तरफ ग्लास है, उससे क्या होता है, इधर तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5, इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5, मतलब लाइट इस सरफेस को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगी। लाइट ये नहीं समझ पाएगी कि यहां पे एक सरफेस बनी हुई है। लाइट को लगेगा कि ये बिल्कुल एक जैसा मीडियम है, इसीलिए लाइट इस सरफेस पे भी स्ट्राइक करके रिफ्रैक्ट नहीं होगी और बिल्कुल सीधी इस प्रकार से निकल जाएगी। सो हम कहेंगे कि ये लेंस अब काम का नहीं रहा। व्हाई? बिकॉज जैसे ही मैंने इसको लिक्विड में डिप किया, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सेम था, तो इस वजह से ये लेंस किसी भी काम का नहीं है, ये इमेज फॉर्म नहीं कर पाएगा, बिकॉज ये लेंस अब लाइट को कॉन्वर्ज नहीं कर पाएगा। क्या चीज जरूरी है लाइट को कॉन्वर्ज करने के लिए? हम कहेंगे अगर इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि 1.5 है, ये अगर और ज्यादा होता, 2 होता, 3 होता, 5 होता, 4 होता, कुछ और वैल्यू होती, लेकिन इस पानी से ज्यादा होता, तो हम कहते कि ये लेंस रिफ्रैक्शन कर सकता है, ये लेंस कॉन्वर्जिंग कर सकता है लाइट की। लेकिन इस वक्त ऐसा कुछ नहीं होगा। तो अगर ये लेंस, इस पे लाइट रे गिर रही है और ये कॉन्वर्ज नहीं कर पा रहा, तो इसकी फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। हमने कहा था फोकल लेंथ क्या चीज है। फोकल लेंथ बेसिकली पोल से फोकस तक का डिस्टेंस है। लेकिन फोकस क्या है? फोकस वो पॉइंट है जहां पे इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रेस टकरा के मिलती है। मतलब इस लेंस में यहां से बहुत सारी लेट से पैरेलल लाइट रेस आ रही है, वो इस लेंस से रिफ्रैक्ट होती है, रिफ्रैक्ट होकर जिस पॉइंट पे मिलती है हम कहते हैं वो फोकस है, और उस फोकस का पोल से डिस्टेंस नाप लेते हैं। लेकिन जब पैरेलल लाइट रेस इस लेंस को यहां पे स्ट्राइक करेंगी, तो क्या वो कॉन्वर्ज हो सकती है? हम कहेंगे नो, बिकॉज उन लाइट रेस को लेंस और पानी में कोई अंतर दिखाई नहीं देगा। दे विल फाइंड कि हमें तो सीधा निकल जाना है, तो इसलिए लाइट रेस बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाएंगी। सो जब वो स्ट्रेट निकल जाएंगी, तो इस लेंस में एंटर होने के पहले वो पैरेलल लाइट रेस थी, इस लेंस से निकलने के बाद भी वो पैरेलल लाइट रेस है, तो क्या वो कहीं पे मीट कर पाएंगी? हम कहेंगे दे विल मीट एट इन्फिनिटी। कुछ इस तरह का सिनेरियो बनेगा। इस तरह से ये मिरर इस लेंस को स्ट्राइक करेगी, और स्ट्राइक करने के बाद बिल्कुल इसी तरह से वापस निकल जाएगी। तो अगेन ये लाइट रेस विदाउट एनी रिफ्रैक्शन इस लेंस से पास हो जाएगी और फाइनली इन्फिनिटी पे जाके मीट करेगी। सो वी विल से द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस नाउ बिकम, फोकल लेंथ विल नाउ बिकम इन्फिनिटी। जो भी लाइट रेस में से पास होगी वो इन्फिनिटी पे जाके मीट करेगी। ओके, सो इट मींस हमारे क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए 10 सेंटीमीटर्स नहीं हो सकता, 20 भी नहीं हो सकता, 40 भी नहीं हो सकता। इट मींस आंसर इज डी, नन। दिस इज द आंसर, डी ऑप्शन, नन, बिकॉज फोकल लेंथ इज इन्फिनिटी, फोकल लेंथ इन्फिनिटी होगी। ओके, नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 सेज डिफाइन वन डायोप्टर, मतलब आपको डिफाइन करना है पावर वन डायोप्टर। अब डिफाइन वन डायोप्टर का क्या मतलब, हमने तो सीखा कि एक यूनिट होती है डायोप्टर। सो डिफाइन वन डायोप्टर का मतलब कि बेसिकली ये जो डायोप्टर है ये क्या शो कर रहा है, ये क्या बता रहा है, वी वॉन्ट टू नो दिस। इसको डिफाइन कैसे करेंगे उसको हम समझते हैं। सबसे पहले आप ये जानते हैं कि पावर इज इक्वल्स टू 100 अपॉन फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर्स, और पावर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर्स, हमने इस चीज को पढ़ा है। सो अगर पावर इज इक्वल्स टू 1 रख दूं तो आई विल से फोकल लेंथ आ जाएगी 1 मीटर्स और 100 सेंटीमीटर्स। ये यहां से आ रहा है पावर वन डायोप्टर, मतलब फोकल लेंथ कितना हुआ 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर, वट एवर किसी भी यूनिट के साथ आप इसे कह सकते हैं। सो आई विल से वन डायोप्टर उस लेंस की पावर है जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर है। आप ये देखिए कि पावर डिपेंडेंट किस पे है, पावर डिपेंडेंट है फोकल लेंथ पे। जब हम लेंस बना रहे हैं, हमने सीखा था फर्स्ट क्लास में कि लेंस को किस तरह से काट के बनाया जाता है, जब हम लेंस बनाते हैं तो उस समय क्या हम उसकी पावर डिफाइन करते हैं, नहीं, हम उसकी फोकल लेंथ डिफाइन करते हैं। एक लेंस बनाने वाला हमेशा उसकी फोकल लेंथ पे काम करता है, फोकल लेंथ को बनाता है, बनाते समय फोकल लेंथ को देखता है कि वो कितनी है, और फोकल लेंथ के एडजस्टमेंट से ही हम पावर निकालते हैं। तो इसीलिए हमने पावर को डिफाइन करा फोकल लेंथ के टर्म्स में ही। कैसे डिफाइन किया, हमने कहा पावर ऑफ वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ अ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 100 सेंटीमीटर्स और 1 मीटर। हम कहेंगे वन डायोप्टर पावर का मतलब है एक उस लेंस की पावर जिसका फोकल लेंथ 1 मीटर है या फिर फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर है, आइदर इन मीटर्स और इन सेंटीमीटर्स, आप किसी में भी डिफाइन कर सकते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 15, सो यू कैन नोट दिस। ओके, सो लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज टू मेक लेंस, ए वाटर, बी ग्लास, सी प्लास्टिक एंड डी क्ले। क्वेश्चन हमसे ये जानना चाहता है कि इन चार मटेरियल्स में से कौन सा मटेरियल लेंस बनाने के काम नहीं आ सकता। अब हम ये कैसे बताएं कि कौन सा मटेरियल लेंस, किस मटेरियल से लेंस नहीं बन सकता। ये चीज जानने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपको मालूम हो कि लेंस काम क्या करता है। हमने देखा लेंस बेसिकली लाइट को रिफ्रैक्ट करता है, रिफ्रैक्ट करने के बाद कॉन्वर्ज या डाइवर्ज करता है। सो इट मींस लाइट को अगर लेंस रिफ्रैक्ट कर रहा है तो रिफ्रैक्शन कब होता है, जब दो ट्रांसपेरेंट मीडियम आपस में मिलते हैं, दो ट्रांसपेरेंट मीडियम एक इंटरफेस से मिलते हैं। इट मींस लेंस बनाने के लिए क्या चीज आवश्यक है, लेंस बनाने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो आप मीडियम चूज करें, मीडियम ऑफ लेंस और वी कैन से मटेरियल ऑफ लेंस शुड बी ट्रांसपेरेंट, क्योंकि हमने ये सीखा है कि रिफ्रैक्शन के लिए क्या चीज आवश्यक है, रिफ्रैक्शन तभी होगा जब दो ट्रांसपेरेंट मीडियम के बीच में एक इंटरफेस होगा। रिफ्रैक्शन वही होता है जहां पे लाइट अंदर ट्रेवल कर सकती है। तो इसीलिए लेंस बनाने के लिए जरूरी है कि जो मटेरियल आप यूज करें दैट शुड बी ट्रांसपेरेंट मटेरियल।
अब इनमें से कौन सा मटेरियल ट्रांसपेरेंट है? क्या वाटर ट्रांसपेरेंट है? यस, वाटर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। देन क्या ग्लास एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है? हाँ, ग्लास भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। सी, देन क्या प्लास्टिक एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है? हाँ, प्लास्टिक भी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। आपने प्लास्टिक की पॉलिथीन देखी है? प्लास्टिक की पॉलिथीन होती है, प्लास्टिक के बॉल्स होते हैं, बहुत सारे टॉयज होते हैं जिनके आर पार आप देख सकते हो, तो वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। हम उन प्लास्टिक की बात नहीं कर रहे जो कलर्ड होते हैं। अगर आप सिर्फ प्लास्टिक की बात करें, नॉर्मल जो प्लास्टिक होता है, जो बेसिक होता है, उस प्लास्टिक को देखें तो दैट प्लास्टिक विल बी अ ट्रांसपेरेंट। जैसे कि व्हाइट कलर की पॉलिथीन आपने देखी है, तो पॉलिथीन जो होती है उसके आर पार आप देख सकते हो, आपको दिखता है। बहुत सारी चीजें ऐसी है। अब प्लास्टिक जो फैक्ट्री में बनता है, दैट प्लास्टिक इज ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक। वो तो बाद में उसमें कलर मिला के उसके कलर को अलग अलग तरह से बना देते हैं और उसके डेकोरेटिव आर्टिकल्स बनाते हैं, बट बेसिक जो प्लास्टिक बनता है दैट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। देन डी ऑप्शन इज क्ले। क्या क्ले एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है? ऑब्वियसली नॉट। क्ले एक ट्रांसपेरेंट मीडियम नहीं है, इसे हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। सो इट मीन्स दिस इज नॉट अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। सो कौन सा मटेरियल में यूज नहीं कर सकता लेंस बनाने के लिए? दैट इज क्ले, दैट इज ऑप्शन डी। इट मीन्स 16th क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। ओके, सो नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 सेज अ डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड स्पेक्ट्स टू अ पर्सन। ओके, पावर ऑफ द लेंस यूज्ड इज +1.5 डायप्टर। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ऑल्सो स्टेट वेदर द लेंस इज कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 17 में हमें क्वेश्चन देखते से ही समझ में आ रहा है, अगर पावर इज +1.5 डायप्टर्स, इट मीन्स ये कौन सा लेंस होना चाहिए? दिस लेंस शुड बी अ कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है? कॉन्वर्जिंग लेंस। सो दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस एंड अ कॉन्वर्जिंग लेंस, एंड व्हाट यू नीड टू फाइंड? यू नीड टू फाइंड द फोकल लेंथ। सो वी नो कि पावर इज इक्वल्स टू 100 अपॉन एफ इन सेंटीमीटर्स। सो वी विल से एफ इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 1.5। सो यू कैन सॉल्व दिस टू गेट द फोकल लेंथ। आप इसको सॉल्व करके फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यही था कि आप इसे बता पाए कि पावर जो देख के हम कि पावर +1.5 है, तो इससे हम क्या जज कर सकते हैं? हम ये बता सकते हैं कि दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस एज वेल एज अ कॉन्वर्जिंग लेंस, बिकॉज कॉन्वेक्स लेंस को ही हम कॉन्वर्जिंग बोलते हैं। तो इसीलिए प्लस पावर जब भी दिखे तो हम मानेंगे कि ये कॉन्वर्जिंग लेंस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 सेज इफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर्स एट अ ग्लास एयर सरफेस देन नो लाइट इज रिफ्रैक्टेड, नो लाइट इज रिफ्लेक्टेड, लाइट इज लीविंग द एयर एंड हिटिंग द ग्लास विथ एन इंसिडेंट एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, लाइट इज लीविंग द एयर एंड हिटिंग द ग्लास विथ एन एंगल लेस देन क्रिटिकल एंगल। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि हमने देखा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है ग्लास और एयर के सरफेस पे। अब हमने ये सीखा था कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जब होता है तो वो कहां से कहां होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए सबसे पहली चीज ट्रांसपेरेंट मीडियम होने चाहिए, दूसरी चीज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होने चाहिए, और तीसरी चीज हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मटेरियल का ज्यादा होना चाहिए लाइट जहां से आ रही है। मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू अ रेयरर मीडियम। सो इट मीन्स लेट से मैं कहता हूं कि ये ग्लास है, दिस इज ग्लास, ये पूरा ग्लास है और यहां बाहर एयर है,
तो रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन हमेशा इस सरफेस पे होगा। कब होगा? जब लाइट रे इस ग्लास से मूव करके एयर में जाने की कोशिश करेगी। ये किस तरह से होगा? हम कहेंगे कि एक लाइट रे जो कि इस तरह से स्ट्राइक करती है, स्ट्राइक करने के बाद हम देखते हैं नॉर्मल क्रिएट करते हैं, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल के बारे में हमने पढ़ा है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन क्रिटिकल एंगल है तो उस केस में ये लाइट रे बिल्कुल आसानी से अवे फ्रॉम द नॉर्मल होते हुए रिफ्रैक्ट हो जाती है। दूसरा केस हमने देखा था जब ये लाइट रे इस तरह से स्ट्राइक करती है और आई, जब ये क्रिटिकल एंगल, ये इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल के बिल्कुल बराबर होता है, तब 90 डिग्री पे ये लाइट रे रिफ्रैक्ट हो जाती है। कुछ इस तरह से लाइट रे रिफ्रैक्ट होती है, हमने ये चीज सीखी थी। और थर्ड केस, जब लाइट रे इंसिडेंट होती है एट एन एंगल आई विच इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, विच इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, देन व्हाट हैपेंस? तब हम देखते हैं कि ये लाइट रे बिल्कुल इस मीडियम में ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है विद सेम एंगल, सेम एंगल रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो इट मींस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या चीज जरूरी है? हम कहेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए जरूरी है कि लाइट रे शुड बी इंसिडेंट एट एन एंगल विच इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ओके, सो लेट अस रीड द ऑप्शंस। पहला ऑप्शन कहता है नो लाइट इज रिफ्रैक्टेड, नो लाइट इज रिफ्रैक्टेड। क्या ऐसा होता है? नहीं, जब इस सरफेस पे लाइट रेस टकराती हैं तो कुछ लाइट रे रिफ्रैक्ट हो जाती हैं, कुछ लाइट रे एब्जॉर्ब हो जाती हैं और कुछ लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। थोड़ा बहुत रिफ्रैक्शन तो होता ही होता है। नो लाइट इज रिफ्लेक्टेड, नहीं ऐसा नहीं है, लाइट रे में रिफ्लेक्शन भी होता है, हमने देखा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। थर्ड ऑप्शन, लाइट इज लीविंग द एयर एंड हिटिंग द ग्लास, लाइट इज लीविंग द एयर एंड हिटिंग द ग्लास। क्या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तब होगा जब लाइट रे ग्लास, एयर से ग्लास की तरफ आएगी? नहीं, हमने कहा था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तब होता है जब लाइट रे ग्लास से एयर की तरफ जाती है। लाइट इज लीविंग द एयर एंड हिटिंग द ग्लास विद एन एंगल, विद एन इंसिडेंट एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा? हम कहेंगे नो, बिकॉज लाइट जब एयर से ग्लास में आएगी तब तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो ही नहीं सकता, बिकॉज उसके लिए एयर जो होगी वो एयर एक रेयर मीडियम है और ग्लास एक डेंसर मीडियम होगा। दैट्स वाई यहां से यहां आने में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। सो ये ऑप्शन गलत है। देन इट सेज लीविंग, लाइट इज लीविंग द एयर एंड हिटिंग द ग्लास विद एन एंगल लेस देन क्रिटिकल एंगल। अगेन सेम ऑप्शन उन्होंने कहा कि एयर से आके ग्लास में जा रही है और जिस एंगल पे इंसिडेंट हो रही है वो क्रिटिकल एंगल से छोटा है। क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा कि क्रिटिकल एंगल से बड़ा है या छोटा जब तक लाइट हम कहेंगे कि रेयरर से डेंसर में जा रही है? तो लाइट अगर रेयरर से डेंसर में जाती है तो वहां पे तो TIR की बात ही नहीं होगी, उस केस में तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कोई बात हम नहीं करेंगे। इट मींस हमेशा एयर से ग्लास में जाने वाले सभी ऑप्शंस को हम कैंसल आउट कर देंगे, या कहें रेयरर से डेंसर में जाने वाले सभी ऑप्शंस तो गलत होंगे ही होंगे। देन फिर कौन सा ऑप्शन चूज करें चार में से? अब हम इसे ध्यान से देखते हैं, चारों ऑप्शंस को हम ध्यान से देखते हैं। लास्ट टू ऑप्शन तो रिमूव कर दीजिए क्योंकि वो गलत है। इट मींस जो आंसर सही होना चाहिए वो शुरू के दो ऑप्शन से ही होना चाहिए। हम क्वेश्चन को ध्यान से रीड करते हैं वापस। इट सेज इफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर्स एट अ ग्लास एयर सरफेस, ग्लास एयर सरफेस पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ तब क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है? हमने ये सीखा था कि इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही क्यों बोला जाता है। वैसे तो जब लाइट रे किसी भी सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो वहां पे रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है,
और एब्जॉर्प्शन भी होता है। लेकिन फिर यहां पे ऐसा ऑप्शन एक भी सही क्यों नहीं आ रहा कि नो लाइट इज रिफ्लेक्टेड, नो लाइट इज रिफ्रैक्टेड और इस तरह से ऑप्शन दिए हुए, फिर क्या? तो इसके लिए हम इस टर्म को ध्यान से पढ़ते हैं। इट सेज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल का क्या मतलब है? टोटल का मतलब है कि जब इस तरह का केस बनेगा, इस तरह का फिनोमेना होगा, तो लाइट की पूरी एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहां पे एब्जॉर्प्शन और रिफ्रैक्शन नहीं होगा। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल शब्द का यूज सिर्फ इसीलिए ही किया गया है। इट मींस अगर इस केस में हम देखें, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है, तो इस सरफेस पे जब लाइट रे स्ट्राइक करती है यहां पे, तो इस पॉइंट पे लाइट में कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होता, लाइट का कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं होता और पूरी तरह से लाइट रिफ्लेक्ट होके अंदर की तरफ चली जाती है। सो इसीलिए हम कहेंगे कि इस केस में नो रिफ्रैक्शन, नो एब्जॉर्प्शन, ओनली रिफ्लेक्शन। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो टोटल के लिए भी आप लिख सकते हैं 100% लाइट एनर्जी रिफ्लेक्ट्स बैक। हम कहेंगे 100% लाइट एनर्जी रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है उसी मीडियम के अंदर ही। दैट्स व्हाई फर्स्ट ऑप्शन सेज नो लाइट इज रिफ्रैक्टेड, दिस इज ट्रू। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। पहला ऑप्शन नो लाइट इज रिफ्रैक्टेड, दिस इज ट्रू। सेकेंड ऑप्शन नो लाइट इज रिफ्लेक्टेड, दिस इज फॉल्स बिकॉज इट सेज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन ही हो रहा है। और थर्ड और फोर्थ ऑप्शन अभी हमने गलत किए। सो इट मीन्स द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए विच सेज नो रिफ्रैक्शन, नो लाइट इज रिफ्रैक्टेड, दिस इज ट्रू। ओके, सो यू कैन नोट दिस। ओके, सो नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 इज वेरी लॉजिकल क्वेश्चन। इट सेज इफ व्हाइल स्टैंडिंग ऑन अ बैंक यू विश टू स्पीयर अ फिश बीनीथ द वॉटर, स्पीयर मीन्स हिट करना, उसको आप मारने वाले हो, यू विश टू स्पीयर अ फिश बीनीथ द वॉटर सर्फेस इन फ्रंट ऑफ यू, शुड यू एम अबव, बिलो और डायरेक्टली एट द फिश ऑब्जर्व एट टू मेक अ डायरेक्ट हिट। इट सेज कि आप एक वॉटर बॉडी के पास में खड़े हो, ये ऐसा ये सरफेस है और यहां पे लेट से पूरा पानी है, दिस इज वॉटर एंड यू आर स्टैंडिंग हेयर, आप यहां पे इस तरह से खड़े हुए हो, यू ऑब्जर्व द फिश इन दिस वॉटर, आपने इस पानी में एक फिश को देखा, इस फिश को देखा और आपको ये फिश कहीं यहां पे दिखाई दी, लेट से ऐसा, आपको इस तरह से ये फिश पानी में दिखाई दी। अब सवाल इस तरह से है कि आपको इस फिश को हिट करना है, आपको यहां से इसको हिट करना है, तो हिट करने के लिए आपको ये जो लेट से बंदूक है या तीर है उसको किस डायरेक्शन में चलाना है? क्या आप उसको इसी तरह से चलाएं बिल्कुल स्ट्रेट ताकि वो ऐसा जाके हिट कर दे, क्या आप उसको थोड़ा सा ऊपर करके चलाएं
क्या आप उसको थोड़ा सा नीचे करके चलाएं? ये सवाल कुछ इस तरह से पूछना चाह रहे हैं। इट सेज मुझे इस फिश को हिट करने के लिए इस तीर को यहां चलाना चाहिए, यहां या फिर यहां। तो पहला सवाल मन में आएगा कि ये कैसा क्वेश्चन है। हाँ ऑब्वियसली बात है, फिश जब यहां दिख रही है तो इसको यहीं पे हिट करना चाहिए, डायरेक्ट हिट करने के लिए। क्या ऐसा होना चाहिए? नो, ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? बिकॉज फिश आपको जो यहां दिख रही है वो सिर्फ आपको ही दिखाई दे रही है। फिश यहां पे है ही नहीं, लेकिन आपको दिख रही है कि फिश यहां पे है। Why it is happening? Because यहां पे हो रहा है रिफ्रैक्शन। हमने इस चीज को सीखा था, आप जब एक ग्लास में एक कॉइन को नीचे रख दें तो आपको कॉइन थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देता है। और क्यों देता है, हमने उसका रीजन भी समझा था, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। तो सेम चीज यहां पे हो रही है। ये फिश जहां पे भी होगी हमें रिफ्रैक्शन की वजह से ये इस पॉइंट पे दिख रही है। तो बताइए फिश होनी किधर चाहिए? हमने ये देखा था जब भी आप पानी में किसी चीज को देखने की कोशिश करें तो वो हमेशा ऊपर उठी हुई दिखती है। तो आपको फिश कहाँ दिख रही है? यहाँ पे। तो इट मीन्स फिश को होना कहाँ चाहिए? इससे थोड़ा सा नीचे, कहीं यहाँ पे। फिश शुड बी समवेयर हेयर, कहीं यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ दिख रही है। तो इट मीन्स मुझे तीर को किस तरफ चलाना चाहिए, मुझे बंदूक का क्या डायरेक्शन रखना चाहिए। I will say this one. Let's say this is number one, this is two, so three. So जो third number का direction है ये ऐसा, मुझे ये direction रखना चाहिए इस fish को hit करने के लिए। Because ये मुझे दिख यहाँ रही है लेकिन ये है यहाँ पे। Why? Because of refraction. So this is question number 19. So answer is, question we should read question. Question says, so should you aim above, below or directly at the observed fish? So what we will say? We will aim below the observed fish. Because वहां पे सिर्फ fish दिख रही है, फिश वहां पे है नहीं, फिश तो यहां पे नीचे। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 19। नाउ लेट अस डिस्कस द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 सेज टू लेंसेज 1 एंड 2 आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट। द फोकल लेंथ ऑफ लेंस 1 इज 20 सेंटीमीटर्स एंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस 2 इज -10 सेंटीमीटर्स। कैलकुलेट द टोटल पावर ऑफ कॉम्बिनेशन एंड वॉट इज द नेचर ऑफ कॉम्बिनेशन। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, नेचर ऑफ कॉम्बिनेशन। सो क्वेश्चन नंबर 20, यहां पे हमें दो लेंस दिए हैं 1 और 2। एक का फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। अब 20 सेंटीमीटर का क्या मतलब है? कौन सा 20 सेंटीमीटर, प्लस या माइनस? इट शुड बी प्लस। वाई? बिकॉज माइनस होता तो माइनस स्पेसिफाई किया कर देते। जैसे कि लेंस 2 के लिए उन्होंने साफ कह दिया इट इज -10 सेंटीमीटर। इट मीन्स लेंस 1 की जो फोकल लेंथ है इट हैज टू बी पॉजिटिव एंड इट हैज टू बी 20 सेंटीमीटर, मतलब प्लस 20 सेंटीमीटर। सो आई विल से जिस लेंस की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर पॉजिटिव है वो लेंस एक कॉन्वेक्स लेंस है। वो लेंस एक कॉन्वेक्स लेंस है, तो हम कहेंगे कि ये कॉन्वेक्स लेंस है, दिस इज लेंस 1, इसका फोकल लेंथ है, इसको F1 मान लेते हैं, इट इज प्लस 20 सेंटीमीटर। देन सेकेंड लेंस उसने साफ कह दिया इट इज -10 सेंटीमीटर, सो इट मीन्स लेंस 2 जो होगा इट शुड बी अ कॉनकेव लेंस, दिस इज लेंस 2 एंड इसका फोकल लेंथ उसे हम 2 मान लेते हैं, सो F2 इज -10 सेंटीमीटर। नाउ वी विल कैलकुलेट इफेक्टिव फोकल लेंथ by using this formula, 1 upon effective focal length is equals to 1 upon F1 plus 1 upon F2.
1 upon f1 plus 1 upon f2. What we will write? We will say it is 1 upon 20. This is 20 plus 1 upon 10 with a negative sign because it is negative focal length. So solving this, you will say it is 1 upon 20 minus 1 upon 10. Isko hum solve karenge, it will be 10 minus 20 upon 10 into 20. So F effective will be equals to 200 divided by minus 10, which is equals to minus 20 centimeters. Effective focal length, jo is lens ke combination ki I, that is equals to minus 20 centimeters. So what does this mean, minus 20 centimeters? Minus 20 centimeter means ki ye focal length ek concave lens ki focal length hai, because this is negative. So can we calculate power? Yes. Power kitni hoti hai? Power is equals to, effective power is equals to P1 plus P2. What is P1? P1 will be 100 upon F1 plus P2 is 100 upon F2. It is 100 upon F1 is 20 centimeters plus 100 upon F2 is minus 10 centimeters. So we will say this is equals to, this is 5 minus 10. So it is minus 5 diopters. This is the power effective. So this is the power of this combination, this is focal length of this combination. And what about nature? Nature ka matlab hai ki ye kaun se lens hai, ye kis tarah ka lens hai, ye lens convex hai, kya ye lens concave hai, is bare mein ye janna chahta hai. So I will say ki power negative hai, matlab focal length negative hai ya power negative hai, kisi bhi terms mein apan keh sakte hain. I will say because power is negative, this is a concave lens. Combination jo hai concave lens hai, aur hum kahenge this lens is diverging in nature. Nature mein concave lens ya fir kahe diverging in nature. Is tarah se aap is answer ko frame kar sakte hain. So this is how you need to solve this. Okay, so you can note this.